21 करोड़ की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर अब विंध्याचल में भी बनेगा विंध्य कॉरिडोर। विश्व प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी मंदिर जाने वाली सभी गलियारों का किया जाएगा चौड़ीकरण। अधिकृत किए गए दुकानों और मकानों को दिया जाएगा मुआवजा। कॉरिडोर का सवाल है तो मैं ये मानता हूँ कि विंध्याचल कॉरिडोर के माध्यम से जो सरकार विकास की योजना लेकर के आई है, विकास होना चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि विंध्याचल जो असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करता है, उसके दरबार में कम से कम संतुलित सोच के साथ विकास होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो हमने देखा कि इस विंध्याचल कॉरिडोर के अंतर्गत बहुत से परिवार ऐसे हैं, सैकड़ों से ऊपर परिवार जो हैं, जो पूरी तरह से आवास और जो है रोजी रोटी जो है उनकी छिन जाने का जो है खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में ये सोचना होगा जो पिछले कई पीढ़ियों से जिनका परिवार आज माँ के सहारे जीविकोपार्जन को जो है प्राप्त कर रहा है, जी रहा है, और उसके अगर सब कुछ छिन जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, इसकी कौन गारंटी लेगा। और ये गारंटी भी होनी चाहिए कि सिर्फ मुआवजे के पैसे ही जो है अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। उनको रोजगार जो है देने के लिए वो पहले आवास का व्यवस्था करेगा, उसको कहाँ चिंता सताएगी, किस तरह से नए रोजगारों का सृजन करेगा, कैसे उसे जो है फिर वो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो पहले जो उसके अंदर ये संदेह का बीज है उसे भी समाप्त करना होगा, उसके रोजगार की गारंटी लेनी होगी। और साथ ही मैं बता दूं कि जिस पर्यटन स्थल का विकास हो तो उसको ये भी ध्यान देना चाहिए, जो शहर गलियों के लिए जाना जाता है, जिसकी पहचान ही गलियाँ हैं, अगर उन गलियों के अस्तित्व को ही मिटा दिया जाएगा तो कोई पर्यटन क्यों आकर्षित होगा। जैसे कोई विदेशी पर्यटक आता है भारतवर्ष में अगर दर्शन करने के लिए, तो वो फुल पैंट शर्ट देखने के लिए नहीं आता, वो यहाँ के पहनावे के रूप में धोती कुर्ता को देखने आता है, यहाँ महिलाओं की साड़ियों को देखने आता है, बिंदी को देखता है, कंठी माले को देखता है और यहाँ की पूजा पद्धति को देखता है, तब वो आकर्षित होता है। तो इन बातों को भी ध्यान देना होगा। जहाँ तक यात्री हित में आप दर्शन करने के लिए सुगम बनाना चाहते हैं, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ की विंध्याचल की अष्टभुजा मंदिर जो है गुफा में विराजमान है भगवती, और वहाँ प्रवेश द्वार से ही आप झुक करके जाते हैं। अगर हम यात्रियों के हित की सोचने लगे कि इनको दर्शन करने में सुगम हो जाए, तो हम अगर उसे बड़ा करना चाहेंगे अष्टभुजा मंदिर के प्रवेश द्वार को, तो उसके अस्तित्व को ही मिटाने हैं कि इस समय माँ विंध्यवासिनी जी का जो मंदिर है उस चारों तरफ काफ़ी सकरा है, उसकी सकरी गलियां हैं और उसका प्रदक्षिणा पथ के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं है। तो माँ विंध्यवासिनी धाम को सुंदर और चौड़ा बनाने के लिए सरकार की और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी और सरकार की शासन की मंशा है कि माँ विंध्यवासिनी परिसर को खूबसूरत बनाया जाए, प्रदक्षिणा पथ बनाया जाए और उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। तो शासन की मंशा को और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की इच्छा और मंशा को देखते हुए तथा जनपद मिर्ज़ापुर एवं आसपास के जनपदों तथा उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं की इच्छा और उनकी मांग को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने माँ विंध्यवासिनी परिसर परिक्षेत्र विकास के नाम से एक विस्तृत प्लान बनाया है, जिसमें लगभग 331 करोड़ 69 लाख की लागत आ रही है। ये प्लान मैंने सदर विधायक माननीय श्री रत्नाकर मिश्रा जी के माध्यम से और चुनार क्षेत्र के विधायक माननीय श्री अनुराग सिंह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भिजवा दिया है। इस प्लान में मंदिर के चारों तरफ 50 फीट का एक प्रदक्षिणा पथ है, जिसको खूबसूरत डेवलप किया जाएगा और उसको चारों तरफ से मजबूत स्टील की पाइप लगाकर उसको चारों तरफ से डेकोरेट किया जाएगा। प्रदेश सरकार के द्वारा विकास का कार्य चल रहा है और विकास होना अच्छी बात है। उसमें जिस स्वामियों का बिल्डिंग वगैरह जा रही है उसको जिस प्रकार से कॉरिडोर बनारस में मुआवजा दिया गया, अगर उस प्रकार से मुआवजा की खुलासा हो जाए तो शायद हमारा ये उम्मीद है कि विंध्याचलवासी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ रहेंगे। तो इससे क्या विकास होगा जो
सरकार चाह रही है? एकदम विकास सरकार कर ही रही है, पूरे देश में विकास कर रही है। खुश हैं आप लोग इससे? हम तो फिलहाल खुश हैं, बाकी क्या है ये तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है, भारत है।